Hey guys, hi, so this is Vanna and welcome back to my channel. तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी विंटर नाइट क्रीम का वीडियो। वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारी नाइट क्रीम का वीडियो शेयर किए हैं। मैंने लास्ट में जो नाइट क्रीम का वीडियो आप सबके साथ शेयर किया था उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आप सबको वो नाइट क्रीम बहुत पसंद आई। बट आज मैं आप सबके साथ विंटर नाइट क्रीम घर पर कैसे बनाते हैं वो शेयर करूंगी। विंटर में हमारी स्किन बहुत ही डल और ड्राई हो जाती है जिससे हमें हमारी स्किन की डबल केयर करनी पड़ती है। हम स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए या तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं या तो कोई क्रीम लगाते हैं, बट सिर्फ मॉइस्चराइजर काफ़ी नहीं होता है हमारी स्किन की देखभाल के लिए। थोड़ी देर में हमारी स्किन फिर से ड्राई हो जाती है, तो रात में हमें ऐसी नाइट क्रीम लगानी चाहिए जो हमारी स्किन को रिपेयर और हील करे, बिकॉज नाइट में हमारी स्किन रिपेयर मोड में होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये विंटर नाइट क्रीम कैसे बनाते हैं। बट उससे पहले मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसे जल्दी से बिना सोचे क्लिक कर दीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये क्रीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा स्किन को डीपली पेनेट्रेट करके इसे मॉइस्चराइज करता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई होने के कारण ये स्किन को नरिश करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और यूवी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है जो त्वचा को जवान बनाए रखती है। एक ग्रेट मॉइस्चराइजर होने के कारण एलोवेरा स्किन को वेल हाइड्रेट रखता है और स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है और एलोवेरा त्वचा को चिपचिपा लुक नहीं देता है, इसलिए ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। इसमें हीलिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो स्किन को क्विकली हील भी करती है और हमारे मुहासों को भी कम करती है। और नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो है कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप यहाँ पे कोई भी कंपनी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं। अपने हिसाब से आपकी स्किन को जो सूट करती है वो आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वैश्निन हेल्दी वाइट ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन को वो बहुत सूट करती है। नेक्स्ट हमें जो चाहिए इंग्रीडियंट्स वो है ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। जैतून का तेल स्किन के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसमें विटामिन ए और ई भरपूर होते हैं। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। ये हमारी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है जिससे स्किन यंग दिखती है। आप ओलिव ऑयल को एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं। ये स्किन से फाइन लाइन्स, रिंकल्स, दाग धब्बे को आसानी से हटाता है। अगर आपके पास ओलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 टेबलस्पून आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल या तो 1/4 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है 1 विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी स्किन को रिपेयर करती है और स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाती है। विटामिन ई से हमारी स्किन इम्प्रूव होती है और ग्लोइंग भी होती है। अगर आपके फेस पर पिंपल्स है, दाग धब्बे हैं या तो आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स है या तो आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो आप विटामिन ई का यूज जरूर करें। यह आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप विटामिन ई का यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको चाहिए एक एम्प्टी एयरटाइट कंटेनर इस स्किन को स्टोर करने के लिए। ये तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस स्किन को बनाना कैसे है। तो इसके लिए आपको एक क्लीन बोल में 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है और इसके बाद आपको इसमें 1 टेबलस्पून कोई भी मॉइस्चराइजर ऐड करना है। आप कोई भी कंपनी का मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है 1/4 टेबलस्पून ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। हमें सिर्फ 1/4 टेबलस्पून ओलिव ऑयल ही लेना है और पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें क्रीम कंसिस्टेंसी मिल जाए। और लास्ट में हमें इस क्रीम में 1 विटामिन ई कैप्सूल को ऐड करना है और फिर से इस क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि विटामिन ई और सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी विंटर नाइट क्रीम रेडी है। इस विंटर नाइट क्रीम को आपको एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्रीम को आपको यूज कैसे करना है। सो डेली रात को सोने से पहले आपको अपना फेस वॉश कर लेना है और इसके बाद इस क्रीम को आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है जिससे ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए।
आप चाहो तो इसे एज अ डे क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन हो या तो ऑयली स्किन हो, कोई भी स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। ये क्रीम आप रेफ्रिजरेटर में 10 से 12 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये आपके फेस से अनइवन स्किन, रिंकल्स, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, पिंपल सबको कम करके आपकी स्किन को ग्लोइंग और यंग बनाएगी। मैं सजेस्ट करूंगी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्रीम बनाए, जिस ये क्रीम विंटर में आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को भी कम्प्लीटली सोल्व कर देगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और इसे अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।